नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप खुद का कैसे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया है। अगर आपको खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना है तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको एक सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग करने का कितना कॉस्ट आता है, और इसके लिए जो है आप मशीनरी कहाँ से खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ जो है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस के रिगार्डिंग और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना खुद का मिनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सैनिटरी पैड का अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है बहुत सारे स्कीम आए हुए हैं, आप उसके अंतर्गत जुड़ के भी जो है आप खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उस स्कीम का नाम है स्त्री स्वाभिमान। आप स्त्री स्वाभिमान स्कीम के अंतर्गत जुड़ के जो है आप खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मिनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सैनिटरी पैड का कुछ बड़े पैमाने पे अगर आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना है तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है आपको 15 से 20 लाख रुपए तक करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी पूरे इंडिया में 20-25% तक ही महिलाएं जो है सैनिटरी पैड का यूज़ कर रही है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अभी 80% का मार्केट जो है पूरा अभी बाकी है, और अभी भी जो है सैनिटरी पैड जो है बाहर से आयात किया जाता है अपने इंडिया में, तभी जाके जो है हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इंडिया में सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कम है, जिस कारण जो है यहाँ पे सरकार को सैनिटरी पैड का जो आयात है बाहर से करना पड़ता है। तो आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यहाँ पे सैनिटरी पैड का अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं तो आप स्त्री स्वाभिमान योजना के अंतर्गत जुड़ के जो है आप खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे स्त्री स्वाभिमान योजना क्या है। मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूँ कि अपने इंडिया में जितने भी रूरल एरिया में वुमेंस रहते हैं या जितने भी ट्राइबल्स वुमेन हैं, ये सभी लोगों को एक एफोर्डेबल प्राइस पे जो है सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जा सके, इस योजना के अंतर्गत ये गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है। और सबसे बड़ा बात कि इस योजना के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई करके जो है अपना खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सेटअप दिस यूनिट बाय इन्वेस्टिंग सेटअप कॉस्ट। अगर आपके पास में सेटअप इन्वेस्टिंग कॉस्ट है तो आप स्त्री स्वाभिमान योजना के अंतर्गत जो है आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है पर्सनल डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जैसे कि पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, उसके बाद जो है आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा, और आपको पहले अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी बना सकते हैं, आप लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करेंट अकाउंट किसी भी बैंक में आपको ओपन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर हम लोग लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको MSME लाइसेंस लगेगा, GST रजिस्ट्रेशन लगेगा, और 100 पेन एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट यानी कि आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड आप जो बनाएंगे वो आपका GST एग्जम्पशन जो है प्रोडक्ट है, यानी कि आपको उस पर कोई भी GST का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन क्यों लेने के लिए बोला, क्योंकि फ्रेंड जितना भी आप मटेरियल सैनिटरी पैड बनाने के लिए आप परचेस करेंगे उस पर जो है आपको 12-18% का जो है आपको GST लगने वाला है। तो आप वो GST अमाउंट को अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको GST नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे उसके लिए आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उसके लिए जो है आपको 500 से लेकर 700 स्क्वायर फीट जो है आपके पास में एरिया होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपको 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसका साइज जो है 3 फीट बाय 5 फीट का होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपको 6 नंबर ऑफ टेबल और चेयर जो है आपको परचेस करने पड़ेंगे। देन 2 कबोर्ड आपको परचेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है आपको फर्स्ट एड किट भी जो है आपको परचेस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपको जो है एक 500 वोल्ट एम्पेयर का स्टेबलाइजर का जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, और उसके बाद जो है आप अपने यूनिट को आप 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक सप्लाई पे भी जो है आप रन कर सकेंगे। देन उसके बाद जो है आपको लाइटिंग का भी अरेंजमेंट जो है आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप
बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मिनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है आपको लेने पड़ेंगे अगर आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर मटेरियल की बात करें तो सबसे पहला जो मटेरियल है आपको वुड पल्प सीट खरीदना पड़ेगा, जेल सीट खरीदना पड़ेगा, उसके बाद नॉन ओवन वाइट सीट यहाँ पे 20 GSM का जो है आपको लेना पड़ेगा, सिलिकॉन पेपर यहाँ पे 12 GSM का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, PE ब्लैक सीट यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, गम लेना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो है आपको प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे आपको अपने प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको अपने सैनिटरी पैड को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सैनिटरी पैड बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे मशीन की बात करें तो अगर आपको सैनिटरी पैड अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो यहाँ पे 5 सेट ऑफ मशीनरी आती है। जो सबसे पहला मशीन है उसको बोला जाता है पल्वराइजर, देन उसका जो सेकेंड मशीन है उसको नैपकिन प्रेस मशीन बोला जाता है, एंड जो तीसरा मशीन है उसको नैपकिन सीलिंग मशीन बोला जाता है, उसके बाद जो चौथा मशीन है उसको गमिंग सेट बोला जाता है, और उसके बाद जो लास्ट मशीन है उसको यूवी ट्रीटेड स्टरलाइजर मशीन बोला जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सैनिटरी पैड पावर प्रेसिंग मशीन है, ये जो है टेबल माउंटेड मशीन आता है, तो ये आप इसको देख लें। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यूवी ट्रीटेड स्टरलाइजर यहाँ पे रखा गया है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनेगा तो उसको जो है आपको इसमें स्टोर करके रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल का सैनिटरी पैड का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 3 लाख रुपए आने वाला है। तो आपका 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो मैं आपको पूरा बायफरकेट करके यहाँ पे दिखाया हूँ। जैसे कि जो पहला इन्वेस्टमेंट है आपको मशीन और टूल परचेस करने में लग जाएगा, तो मशीन और टूल के लिए जो है आपको 1,67,750 रुपया प्लस 18% का GST जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इनिशियली जो है 30,000 पैड्स आपको मैन्युफैक्चरिंग करने हैं या 50,000 पैड्स आपको मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, उसके हिसाब से जो है आपको रॉ मटेरियल जो है आपको मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए अगर आपको रॉ मटेरियल लेना है तो उसके लिए जो टोटल कॉस्ट है आपका 85,800 प्लस 12% का आपको GST उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये सारे इन्वेस्टमेंट को काउंट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 2,94,041 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि आप अपने इंडस्ट्री से सैनिटरी पैड आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको एक सैनिटरी पैड बनाने का कितना आपको प्राइस यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप एक सैनिटरी पैड आप अपने यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 1.95 रुपया तक जो है आपको मैक्सिमम कॉस्ट आपको आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखा कि अगर आप एक सैनिटरी पैड बनाते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है। यहाँ पे आप 1.90 रुपया से लेके 1.95 रुपया तक जो है आपको एक सैनिटरी पैड बनाने का कॉस्ट आता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पैकेट में जो है 8 सैनिटरी पैड होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अराउंड आपका 15.90 रुपया जो है आपका पूरा एक पैकेट का कॉस्ट आता है। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जितने भी मार्केट में कंपिटिटर है सैनिटरी पैड के, उन लोग क्या प्राइस में मार्केट में सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपको अपने सैनिटरी पैड का प्राइस डिसाइड करना है। तो पहले आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि आपका जो भी कंपिटिटर ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा है, देन उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का आप प्राइस डिसाइड करें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट के स्त्री स्वाभिमान योजना के साथ में जुड़ के आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सैनिटरी पैड का ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि जो भी आप सैनिटरी पैड आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप बनाएंगे वो सारे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर जो है उसको सेल करती है। उसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारे NGO से भी जो है टाइप करवा देगी जिसके थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको खुद का मार्केट भी एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके यूनिट से नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से जो है आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। तो आप भी इसके लिए कोशिश करें कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है लोकल मार्केट, फिर रूरल एरिया, उसके जितने भी सेमी अर्बन एरिया होते हैं वहाँ तक जो है आप अप्रोच करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। क्योंकि फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया में जो है 80% का जो मार्केट है सैनिटरी पैड का अभी भी वैकेंट है, तो आपको उसी 80% के मार्केट को आपको ऑक्यूपाई करना है। अगर आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में और भी कुछ जानना हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर आप अपना खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल कर सकेंगे।
और फ्रेंड जिन लोगों को गवर्नमेंट के स्त्री स्वाभिमान योजना के साथ में जुड़ के यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना है, तो फ्रेंड्स वैसे लोग जो है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन लोगों को पूरा तरह से हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि आप यहाँ पे स्त्री स्वाभिमान योजना के साथ में जुड़ के जो है आप खुद का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि वो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे ओपन कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।